फ्रेंड, आज फिर मैं आप लोगों के सामने आई हूँ एक नई रेसिपी के साथ। संजू बॉबी किचन एंड ब्लॉग्स में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज का रेसिपी है पोहा। पोहा की रेसिपी मैं आप लोगों से बताई हूँ, बहुत ही आसान है बनाना और ये बहुत जल्दी बन भी जाता है, तो आप बच्चों के टिफिन में, अभी के ऑफिस के टिफिन में भी दे सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि हमारा ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा फ्रेंड। तो चलते हैं किचन में और बनाते हैं पोहा। पोहा बनाने के लिए ये देखिए, मैं थिक वाला चूड़ा ली हूँ। इसके मसाले में ली हूँ प्याज, टमाटर, धनिया, हरी मिर्च, करी पत्ता, एक आलू बॉईल करके काट ली हूँ और मूंगफली। चूड़ा को अच्छे से मैं धो लूंगी। धोने के बाद इसमें जाएगा नमक और हल्दी। नमक हल्दी को अच्छे से मिक्स करके 10 मिनट पहले मैं ढक के रख दूंगी। गैस का फ्लेम ऑन कर दी, कढ़ाई में रख दी। कढ़ाई में जाएगा 3 से 4 चम्मच लगभग रिफाइंड ऑयल। अब मूंगफली को मैं फ्राई करूंगी। मूंगफली को हल्का ब्राउन होने तक मैं फ्राई करूंगी। मूंगफली को फ्राई होते ही देखिए मैं निकाल दी हूँ। अब इसी ऑयल में मैं आलू को फ्राई करूंगी। आलू भी फ्राई हो गया है, मैं इसको निकाल लेती हूँ। देखिए आलू और मूंगफली को मैं निकाल दी बाहर फ्राई करके। अब कढ़ाई रख दी हूँ, इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल था निकाल दी हूँ। इसमें जाएगा 1 छोटा चम्मच सरसों। सरसों के चटकते ही जाएगा करी पत्ता, हरी मिर्च। अब जाएगा इसमें कटा हुआ प्याज और टमाटर। इन सभी को फ्राई करेंगे। प्याज और टमाटर को ज्यादा फ्राई नहीं करना है, लगभग 2 मिनट तक मैं इसको फ्राई की हूँ। अब इसमें जाएगा 1 नींबू का रस और थोड़ा सा नमक, क्योंकि मैं चूड़ा में भी नमक डाली थी, और थोड़ी सी हल्दी। अब इसमें जाएगा फ्राई किया हुआ आलू। आलू को अच्छे से प्याज टमाटर में मैं मिक्स कर दी हूँ। अब जो चूड़ा धो करके मैं रखी थी 10 मिनट पहले, उसको इसमें डाल दूंगी। चूड़ा को मैं अच्छे से इसमें मिक्स कर दी हूँ। अब इसमें जाएगा फ्राई किया हुआ मूंगफली और कटा हुआ थोड़ा सा धनिया। कटा हुआ धनिया और मूंगफली को मैं लास्ट में डाल करके देखिए मिक्स कर दी हूँ। ये बन करके तैयार हो चुका है पोहा। आप ये बच्चों के टिफिन में, हबी के टिफिन में भी डाल सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। बनाने में लगभग इसको 5 से 7 मिनट लगता है, ज्यादा टाइम भी नहीं लगता इसको बनाने में। अब मैं सर्व करके आप लोगों से दिखा रही हूँ। पोहा बनके तैयार हो गया था, मैं सर्व कर दी हूँ। देखिए कितना यम्मी और टेस्टी दिख रहा है। ये शाम का नाश्ता में भी खा सकते हैं। तो हमारा ये पोहा का रेसिपी आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा फ्रेंड। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।